नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल नजमाबाद। आज की ताजा खबर के साथ एंकर भावना सागर। मोहित भारद्वाज संभल सिटी हलचल। स्टोरी खून के बदले खून, हत्या रोपी युवक की गोली मारकर हत्या, हत्या का बदला लेने को हत्या करने का आरोप। एंकर संभल में खून का बदला खून जैसी हत्या का मामला सामने आया, जहाँ जमानत करा कर लौट रहे हत्या रोपी की हत्या के बाद हड़कंप मचा है। वीडियो पूरा मामला नखासा थाना के गांव कल्याणपुर का है, जहां बिजली विभाग से रिलेटेड शख्स की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2017 में हत्या के मामले में नामजद की आज हत्या हुई थी। गोली मारकर हत्या की बात कही जा रही है। वहीं पूरे यूपी में अमन शांति के बीच खून के बदले खून की वारदात से जिले में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वहीं एएसपी ने कार्यवाही की बात कही है। वीओ उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना नखासा इलाके के रात 8 बजे मुकदमे की पेशी के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे बिजली विभाग के एसडीओ से अनुबंधित कार के ड्राइवर की हत्या अभियुक्ति के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने उन्हें लोगों को हत्या का आरोप बताया, जिनके परिवार की व्यक्ति की हत्या का आरोप मरने वाला युवक था। अखियारपुर थाका का विनय कुमार जाटव, जो कि संभल डिवीजन बिजली विभाग के एसडीओ देहात की अनुमोदित कार का ड्राइवर था। विनय पर 3 साल पहले हुई उसके गांव के अतुल त्यागी की हत्या का इल्जाम लगा हुआ था। विनय उसी मुकदमे की पैरवी कर वापस लौट अपने घर पर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और रास्ते से गुजर रहे लोगों ने विजय कुमार जाटव किनारे लहू लुहान पड़ा देख परिजनों को सूचना दी। जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर जिला अस्पताल में नखासा पुलिस व संभल कोतवाली पुलिस के साथ सीओ जितेंद्र सरगम और एसपी आला प्रशासन पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल में लगी है। जल्द ही हत्या आरोपियों की सलाखों के पीछे भेजने की बात कही जा रही है। बाइट श्री युवक की हत्या का मामला जैसे निकल कर गया है। बाइट श्री शश चंद्र एएसपी तथा बाइट मदन भारती, बाइट राजवीर सिंह मृत का भाई। इस सूचना पर तहरीर प्राप्त की जा रही है एवं तहरीर के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि वर्ष 2017 में यह युवक एक व्यक्ति की हत्या में जेल गया था और 2017 में ही कुछ समय पश्चात यह जेल से वापस आया है। इस रंजिश के को भी दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है और हत्या के कारणों का वास्तविक रूप से पता लगाते हुए हत्यारों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।